दबंगों की गुंडई का मामला जनपद के खन्ना थाना कस्बे का है, जहां गांव में ही रहने वाले राजेंद्र कुमार पूरे मामले की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां लिखित प्रार्थना पत्र देते उसने बताया कि बीते दिनों उसे बंधक बनाकर दबंगों ने बेरहमी से मारा पीटा है। पीड़ित राजेंद्र कुमार बताता है कि बीते दिनों गांव में ही रहने वाले राजा भैया प्रजापति ने अपने घर में निमंत्रण देकर बुलाया था, जहां पहले से ही श्याम बाबू और काशी प्रसाद मौजूद थे। इस दौरान उसे खाना खिलाया गया और जबरन शराब पिलाई गई। उसे नहीं पता था कि इस निमंत्रण के पीछे राजा भैया की क्या मंशा है। उसे जबरन शराब पिलाकर एक कमरे में बंधक बनाकर बंद कर दिया गया। दबंगों की मंशा भांपकर एक घंटे तक कमरे में बंद रहे पीड़ित ने डायल 112 पुलिस को भी फोन लगाया, लेकिन फोन नहीं लगा। तब पीड़ित ने मदद के लिए गांव के ही पहले प्रधान को फोन लगाया, लेकिन उनके आने से पहले ही आरोप है कि दबंगों ने पीड़ित के साथ जमकर मारपीट की। उसे बेरहमी से बंधक बनाकर मारा पीटा गया। कमरे से घसीट कर आंगन तक में उसके साथ मारपीट की गई और इस दौरान मारपीट कर दबंगों ने उसका वीडियो भी बनाया। अब मारपीट का यह वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। पीड़ित बताता है कि उसने इस मामले की शिकायत खन्ना थाने में तहरीर देकर की, लेकिन आरोपियों पर उचित कार्रवाई नहीं की गई। उसका आरोप है कि तीनों आरोपी दबंग और प्रभावशाली हैं, जिसके चलते पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं कर रही है। वह भी बताया गया कि अभी भी दबंग उसे जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दे रहे हैं, जिससे परेशान पीड़ित एसपी को प्रार्थना पत्र देने पहुंचा। लिखित प्रार्थना पत्र में उसने नामजद आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। इस बाबत हमने खन्ना थाना पुलिस से पूरे मामले की जानकारी करनी चाहिए, तो कई बार सीयूजी नंबर लगाने के बावजूद भी उनका फोन नहीं लगा। देखो मामला सर, मैं नहीं समझ पाया। मुझे एक निमंत्रण दिया गया था खाने पीने का राजा भैया प्रजापति ने, और पहले से तीन चार लोग राजा भैया के घर के अंदर थे उसी मकान के। मैं गया उसके बुलावे पर, मुझे अंदर ले गए, खाना खिलाया, दारू पिलाई। दारू पिलाने के बाद ज़बरदस्ती दारू पिला के मुझे कमरे में बंद कर दिया। करीब एक घंटे मुझे कमरे में बंद किए रहे। इसके बाद जब मैं कमरे के अंदर था तो मैं 112 को फ़ोन करता रहा, नहीं लगा। इसके बाद मैं पूर्व प्रधान राज बहादुर सिंह को फ़ोन मिलाया, उनसे बात की कि राजा भैया ने मुझे कमरे के अंदर बंद कर लिया। वो खेत पर थे, उनके आने में विलम्ब हो गई। इसके बाद इन्होंने दरवाज़ा खोला और तीन लोग मौजूदा मुझे मां लात घूंघटों से मारने लगे। मैं कहता रहा भैया क्यों मार रहे हो, क्यों मार रहे हो, लेकिन ये लोग मारते रहे। मैं दरवाजे से भागा, फिर मेरे एक लात पीछे से काशी ने मारी, मैं गिर गया और तीन चार लात घूंघटे मारे। क्यों मारे, क्या वजह है मारने की? मैं सर समझ नहीं पाया कि इनकी क्या वजह थी। मुझे निमंत्रण दिया गया था खाने के लिए, और ये जब मैं भाग गया तो इन्होंने कहा कि अगर पुलिस के यहाँ जाओगे तो साले जान से मार देंगे। कोई पहले से आपसे विवाद था? कोई विवाद नहीं, मैं समझ पाया। फिर क्यों मारपीट किया आपके साथ? ये सीधे मारने लगे, मुझे ये मालूम नहीं कि किस कौन कारण से ये मुझे मार रहे हैं, मैं नहीं समझ पाया। इसके बाद जब मैं भागने लगा तो इन्होंने ये कहा कि अगर पुलिस के पास जाओगे साले तो जान से मार देंगे। चार दिन तक मैं घर के अंदर रहा। इसके बाद मैंने अपनी मिसेज के मोबाइल से 1076 को फ़ोन किया। 1076 की इंक्वायरी जब खन्ना थाने आई तब पुलिस मेरे पास पहुंची और मुझे ले गई। मैंने एप्लीकेशन बना के दी, लेकिन उसमें कुछ नहीं।